ऐसा वैसे दोनों का जोड़ा एक नंबर लग रहा है और दोनों देख रहे हो क्या कर रहे हैं भाई साहब। एक वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गई, और इस सब को देखते हुए गाइस ये आयरन गोलम भी बदल गया है। देखते हुए मॉडर्न जमाने को देखते हुए गाइस ये आयरन गोलम भी मॉडर्न हो चुका है। हेलो इधर कैमर, कैसे आपसे वेलकम बैक टू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, बट यार आपको मोर गोलम देखने को मिलने वाले, अलग अलग तरीके के गोलम और गाइस मॉडर्न तरीके के गोलम, मॉडर्न जमाने के गोलम। गाइस जैसे कि आपने देखा ये डायमंड का गोलम, ये अपने आप ही स्पॉन होके मिलता है यहाँ पर, और ये मतलब सबसे नॉर्मल वाला यहाँ का गोलम है भाई। नॉर्मल गोलम से ये डबल है, और इस पे ऊपर चढ़ के मैं माउंट भी कर सकता हूँ। देखो ये देखो गाइस, मैं इसके पैर के पीछे मैं फंसा हुआ हूँ, और इसको पूरा का पूरा कंट्रोल मैं ही कर रहा हूँ। देख अबे जंप नहीं कर रहा है बस ये, बाकी मैं इसको आगे पीछे कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये देखो गाइस कितना बड़ा गोलम है, और मैं इसके पिछवाड़े में अटका पड़ा हूँ। और अब लेते हैं अपने गोलम को, और गोलम में एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो सारे गोलम को मैं रख लेता हूँ पहले तो। सो के गाइस मैंने सारे गोलम्स को ले लिया है, और ये गोलम्स तो अपने आप रैंडमली अपने आप स्पॉन हो रहे हैं, मैंने इनको स्पॉन नहीं किया ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला वाला गोलम गाइस ये रहा, और इसका नाम है गाइस जॉम्बी फील्ड गोलम, और ये देखो सारे गोलम्स को अपने आप ही मार देता है। इसकी पावर आप देखो, ये डायमंड गोलम को भी इजिली मार देगा। कि देखो गाइस दो ही झटके में गाइस डायमंड गोलम को भी मार दिया, और डायमंड मेरे पास आ चुके हैं गाइस। मारना जॉम्बी को भाई साहब, ये तो जॉम्बी से लड़ ही नहीं रहा है, ये बस गोलम का ही दुश्मन है, यानी अपनी ही बिरादरी का दुश्मन है। अपना नेक्स्ट गोलम है ऑब्सीडियन गोलम। ओके गाइस, तो इसको मैंने स्पॉन कर दिया, और भाई साहब क्या ही आवाज निकाल रहा है। ठीक है, अभी इसकी पावर को अपन चेक करते हैं। ये वैसे अपने गोलम यानी अपनी बिरादरी के लोगों से तो नहीं लड़ रहा है, बट जोम्बी से लड़ेगा या नहीं ये देखना होगा। ओके, तो मैंने जोम्बी स्पॉन कर दिया, भाई मार क्यों नहीं रहा है इसको मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अपना थर्ड गोलम आता है गाइस गोल्डन गोलम। ओके भाई साहब, ये तो देखने में लिटरली बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। चौथा गोलम है गाइस लावा गोलम। ओके भाई साहब कितना बड़ा है भाई ये लावा गोलम, देखो भाई कितना बड़ा है भाई साहब, इसके तो मैं पैर पे भी नहीं आ रहा हूँ, इतना बड़ा गोलम है ये। और ये जोम्बी को मार सकता है शायद एक ही फटके में, वो गजब बेच जाती है भाई साहब। ये तो यहाँ पर मार ही नहीं रहा जोम्बी को। जॉन सीना वर्सेस खली, देखते हैं कौन जीतेगा। जॉन सीना वर्सेस खली, देख सकते हो हाइट भी सेम है, और भाई साहब यहाँ पर खली जीतते हुए। ओके गाइस, अभी अपने अगले गोलम को स्पॉन करते हैं। अगले गोलम का नाम है गाइस एनुबिस गोलम, देखते हैं भाई। ओ भाई भाई साहब, ओ भाई कितनी लंबी जंप कर रहा है, हैकर है ये। सो के गाइस ये तो कुछ ज्यादा खास नहीं था, एनुबिस हवा में उड़ जा रहा है, हैकर है भाई साहब, हैकर अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही पबजी में ना ही इसमें। तो अभी अगला गोलम है अपना फर्नेस गोलम, भाई क्या ही भाई साहब फर्नेस का भी गोलम है ये, देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा है, देखने में क्या ही लुकारी का इस ओपी बोलते हैं इसके। देखो छाती पर आग जल रही है, भाई रुक जा, ये देखो भाई साहब छाती में और आग में मतलब आंख में इसके आग लग रही है, क्या ही कह रहा हूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट गोलम है गाइस अपना मेगा गोलम। ओ भाई साहब मेगा गोलम, अब तक का सबसे बड़ा गोलम गाइस, नाच क्यों रहा भाई, किसकी आत्मा आ गई तेरे अंदर, नाच क्यों रहा भाई, दोरे वोरे पड़ रहे हैं क्या, किसकी आत्मा आ गई भाई, मैं रुक जा भाई, नाच मत यहाँ पर। ओके यहाँ पर मैंने स्पॉन कर दिया जोम्बी को, और भाई साहब एक लात पड़ी इसके घूमती हुई, और भाई साहब खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ओके तो मेटल गोलम को देख लेते हैं, यहाँ पर मेटल गोलम कैसा दिखता है। और भाई साहब इसने तो भाई साहब गले में भी सोने की चैन पहन रखी है, और हाथ में भी, और भाई साहब माथे पे भी, और भाई साहब ये तो पूरा का पूरा इसके जैसा लग रहा है, मेगा गोलम के जैसा। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट वो बड़ा है और ये छोटा है, बस इतना सा चेंज है। सो के गाइस अब बारी है यार इमराल्ड गोलम को स्पॉन करने की, और देखते हैं गाइस इमराल्ड गोलम कैसा लगने वाला है। ओके गाइस, तो इमराल्ड गोलम तो भाई हरा भरा है, और भाई साहब ओपी लग रहा है कसम से ये भी, और सबसे ज्यादा ओपी अभी तक का मेरे को गाइस फर्नेस गोलम और गोल्ड गोलम लगा है। और सबसे मस्त कौन सा होता है वो आपको एंड में पता चलेगा। और अभी नेक्स्ट गोलम था गाइस ये किलर गोलम, भाई किलर गोलम, ओ भाई साहब कुत्ते की तरह भौंक रहा है ये, तो इतने तेज क्यों भाग रहा है, इसकी स्पीड देखो गाइस, इतने तेज कौन सा गोलम भागता है और करना क्या चाह रहा है भाई। रुको इसकी पावर देख लेते हैं एक बार, इसकी पावर कितनी खतरनाक है। अबे मारना किलर गोलम, नाम है इसका किसी को तो किल कर रहे, भाई साहब पिट रहा है। अभी देखते गाइस ब्रिक गोलम। ओके ये रहा भाई ब्रिक गोलम, ओ भाई साहब क्या ही डरावना लग रहा है ये, इसकी आंख देखो गाइस क्या ही डरावना लग रहा है ये भाई साहब, नाइस। नेक्स्ट गोलम है गाइस गार्ड गोलम, तो ये किसकी गार्ड करने वाला है, ये शायद मेरा गार्ड है, एंड देखते हैं ज़ोंबी से मेरे को बचाएगा या नहीं बचाएगा। मार भाई ज़ोंबी को, अबे कैसा गार्ड है, मारना इसको, पिट रहा है बे, इसके सामने बच्चा लग रहा है ज़ोंबी, और ज़ोंबी से पिट रहा है ये भाई। पूरे मैप में आपको गोलम ही गोलम देखने को मिलने, क्या ही नजारा देखने को मिल रहा है गाइस। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी अमेजिंग वीडियो में लाता रहता हूँ गाइस। और अभी नेक्स्ट गोलम देखते हैं, नेक्स्ट गोलम है अपना एविल मास्टर गोलम। ओके ओ भाई
एविल मास्टर गोलम, इसकी आंख कहां पर है बे? भाई आंख कहां पर है तेरी? एक चीज यहां पर देख रहा है, सबसे छोटा गाइस ज़ोंबी, उसके बाद ये वाला गोलम, उसके बाद अपना एक गार्ड गोलम, और उसके बाद एविल मास्टर गोलम। ओ भाई ये क्या था भाई, कौन फूटा भाई ये? और अगला गोलम है अपना गाइस म्यूटेंट आयरन गोलम। ओके ओ भाई सबसे मस्त गोलम मेरे को यही लगता है भाई साहब, एक नंबर गोलम है भाई। इसकी बॉडी देखो लो बस, इसको तो मैं और स्पॉन करूंगा गाइस, ये देखो बस, ये देखो भाई क्या ही मस्त है भाई, ओपी बोलते। तो ये आ चुका है आइस गोलम, और गाइस इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, बट ज्यादा कुछ खास नहीं है। हम थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि गोलम ही गोलम हो चुके हैं, तो यहाँ पर मन नहीं कर रहा है और गोलम को स्पॉन करने का। सो ओके गाइस, 2-3 दिन तक मैं चल चल कर यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक भी गोलम नहीं है। वैसे 2-3 दिन नहीं, मैं 2 मिनट चला हूँ खाली, और अभी अपना नेक्स्ट गोलम है गाइस आइटम डॉट, इसको पता नहीं क्या लिखा पड़ा है, तो इसको स्पॉन करते ही जल गया भाई। ये तो क्या ही ओपी चीज है, करना क्या चाहते हो यार, खुद ही मर रहा है, क्या ही मेरी प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पर आके क्या भाई साहब, दूसरे गोलम को मार रहा है भाई, अपने आप को तो बचा ले पहले। तो सबसे पहले मैं आपको फायर गोलम दिखाता हूँ। ओके ये रहा, इसके बाद है गाइस डायमंड गोलम, जो कि सबसे पावरफुल है। देखो गाइस अबे शकल दिखा दे, मुंह दिखाई करवा दे अपनी, ये भाई मुंह दिखाई नहीं करवा रहा है। तो गाइस ये मुंह दिखाई जब भी करेगा, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, तो वीडियो को लाइक कर दो। ओके कर दिया, तो ये देखो अबे आप तो दिखा दे भाई। अब ये कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब मुंह दिखाई करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक नहीं कह तो कर दो यार, जब ही अपनी शकल दिखाएगा भाई। क्या कर रहा है, चलो आप सबने सब्सक्राइब कर दिया भाई, दिखा दे अपना मुंह, अबे दिखा दे। ये देखो भाई तो दिखाने को तैयार नहीं है भाई, मतलब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, आपने कर दिया तो सब्सक्राइब ठीक है, नहीं किया इसलिए मुंह नहीं दिखा रहा है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ओके अभी सबने सब्सक्राइब कर दिया भाई, अब तो दिखा दे मुंह भाई, दिखाई नहीं रहा है, मैं नेक्स्ट गोलम स्पॉन कर लूंगा, ये तो दिखाई देगा। हाँ भाई इनने दिखा दिया, इसका मतलब अभी आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो बस यार सब्सक्राइब करके रखना और लाइक भी कर दो वीडियो को। अभी गाइस अपन स्पॉन करने वाले आयरन गोलम को, नहीं गाइस डायमंड गोलम को, तो जो कि अब तक का सबसे खतरनाक गोलम है। तो 3-2-1 ये हो चुका है अपना स्पॉन डायमंड गोलम। भाई साहब क्या ही ओपी लग रहा है, और भाई नजरे नीचे क्यों झुकी है तेरी, सबसे खतरनाक गोलम है तू, ऊपर कर। अबे गोल्ड गोलम कहाँ से दिख गया भाई साहब, वैसे दोनों का जोड़ा एक नंबर लग रहा है, और दोनों देख रहे हो क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक ही नंबर। और बस यार आज की वीडियो में इतना ही, और बस बहुत कम गोलम थे गाइस, वैसे बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा गोलम। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसी एपिक वीडियो में और मज़ेदार फनी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय और टेक केयर। और कमेंट करके बताना सबसे अच्छा गोलम आपको कौन सा लगा, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और लाइक किया नहीं किया तो कर दो, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, और सेकंड चैनल को चेकआउट कर लो अगर आप पबजी लाइट खेलते हो तो, नहीं खेलते तो मत करना, और पबजी लाइट खेलते तो जरूर से एक बार चेकआउट करना, मैंने अभी अभी न्यू गेम प्ले वीडियो डाला है, जाओ जाकर देखो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।